इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी के प्रचार रण में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। यह भी कहा कि इस बार रायबरेली की भी राय बदली बदली लग रही है। उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदीमय है। ये तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लोग डूबेंगे। इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, है क्या इनके पास? थोड़ी तो दे। पहले ये बड़ी मुश्किल से बाप दादा की सीट लाए थे अमेठी, और गए बार जो मार पड़ी कि अभी तक धूल उड़ रही है अमेठी जाने की, हिम्मत ही नहीं पड़ी इनकी। अब बची कुछ रायबरेली थी, और वहां की भी राय बदली बदली नजर आ रही है। मुझे लगता नहीं कि रायबरेली अपनी राय इनके लिए रखने वाली है। और इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सभा को संबोधित करते हैं, सुनवाते हैं आपको। कोटी के खंभे वाला मंदिर जो काल के प्रभाव में 500 साल पहले आक्रांताओं ने तोड़ा था, आज पुनः भगवान का मंदिर देख करके और भगवान के धाम में वो बाल स्वरूप की प्रतिमा देख के ऐसा लगता है कि देखते ही रहो। हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण सबके साथ यात्रा की। वैसे माह के बाद में बलरामपुर में अपनी श्रावस्ती की लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए भी गया था, लेकिन माननीय रघुनंदन शर्मा जी हमारे पूर्व राज्यसभा सदस्य भाजपा के वरिष्ठ नेता बहुत सारा दायित्व का निर्वहन किया। इस अवसर पर हमारे नारायण केसरी जी, आप भी सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, आप उनके साथ माननीय ओम मेहता जी राजी, हम उनका बड़ा माननीय रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सबने भगवान के धाम अगर जाओ तो साथ में यात्रा का आनंद। और मैं और सौभाग्यशाली हूँ कि सभी वरिष्ठों के साथ भगवान का मौका मिला है, पुण्य का अवसर था। और वैसे भी ये हम सब जानते हैं कि आज के समय में खास करके अब जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हम सब कामना करें कि अगली बार जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया मुस्कुराए, ये परमात्मा मौका दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आप सुन रहे थे और माफी के साथ ये सुधार कर दें कि वो सभा को संबोधित नहीं कर रहे थे, दरअसल पत्रकारों से वो चर्चा कर रहे थे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में चुनाव निपटने के बाद बीजेपी कांग्रेस में संगठन स्तर पर कसावट की तैयारी हो रही है। दोनों दल चुनाव प्रचार में सक्रिय और निष्क्रिय नेताओं की पहचान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा उम्मीदवारों से नेताओं का फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा प्रत्याशियों से फीडबैक मांग लिया है, खासतौर पर उन नेताओं का फीडबैक जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी थी। इसमें विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं। फीडबैक के आधार पर बीजेपी में इन बड़े नेताओं के आगे की भूमिका तय होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी भविष्य की रणनीति के लिए अपने नेताओं का मन कांग्रेस टटोलना चाहती है। देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, चुनाव के उपरांत कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं के कार्य का मूल्यांकन होना ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पे 65,000 बूथों पे भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा अथक परिश्रम किया गया, जिसका परिणाम हमें 4 जून को मिलने वाला है, उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। और साथ ही जिन नेताओं द्वारा पार्टी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया गया है उनको उसके आधार पर पार्टी उपकृत भी करेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और खट्टे मीठे सारे अनुभव के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरी है। जिन नौजवानों ने, नेताओं ने पूरी निष्ठा, शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है, उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा पार्टी में, उनको सम्मान मिलेगा, और जिसकी जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनका एडजस्टमेंट भी होगा। यदि पार्टी के आकलन के अनुरूप आते हैं तो हो सकता है कि कोई बदलाव ना हो, लेकिन नतीजे ऐसे आते हैं कि जिसमें लीडरशिप चेंज करनी है, संगठन में चेंज करना है, तो ये कवायद होगी। इधर मध्य प्रदेश में दल बदलने वाले कांग्रेस विधायकों पर कांग्रेस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश नायक के मुताबिक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत करेगी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले विधायकों की सदस्यता
दल बदल कानून के तहत रद्द करने की मांग की जाएगी। मुकेश नायक के इस बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले दल बदलने वाले दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित करे। देखिए, जब कोई विधायक कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो नैतिकता ये कहती है, नियम संचालन और प्रक्रिया ये कहती है कि उन्हें अपनी तरफ से सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा देने का तरीका यह है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, जैसा कमलेश शाह ने दिया। दो विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए दल बदल कानून को मानते हुए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष को ये शिकायत करेंगे, पूरे प्रमाण देंगे कि इन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसलिए इनकी सदस्यता खत्म कर। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने के लिए दिग्विजय सिंह प्रयागराज पहुंचे। यहां दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पूरे देश में बदलाव की बयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 400 पार के नारे को उन्होंने नकारा, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने रायबरेली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनों की जनभावना है, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताने पर इंडिया गठबंधन किसी तरह का असर इस पर नहीं पड़ेगा, इससे उन्होंने इनकार किया, कोई असर नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। बात करें तो भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जीत के बाद। ये हम जितने भी लोग हैं कांग्रेस के उनके मन में भावना तो है, राहुल गांधी हैं प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है निश्चित तौर पे। सर एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी कह रही है 400 पार में कितना दम है बीजेपी के, तो माहौल बनाया हुआ है उन्होंने। और अब बात भोपाल की, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए, राजधानी में लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुस्लिम युवक फैजल ने ये नारे लगाए, बजरंग दल के कार्यकर्ता इसे समझाने गए तो वो मारपीट करने लगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है, मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो महत्वपूर्ण बातें, देश विरोधी नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद, ये दो अलग अलग चीज है। बजरंग दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि मिश्रो थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के बाहर एक पंचर बनाने वाले व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम फैजल खान है, उसके द्वारा हमारी भारत माता को, हमारे भारत देश को अशब्द बोला जा रहा है। इधर मनाली हत्या केस में भोपाल पुलिस का बयान आया है। भोपाल पुलिस डीएसपी प्रियंका शुक्ला ने बयान दिया कि 3 मई को भोपाल से शीतल कौशल चली गई थी, शाहपुरा थाना में उसकी शिकायत की गई थी। इतना ही नहीं, वो अपनी भाभी का मोबाइल लेकर चली गई थी। आगे की कार्रवाई मनाली पुलिस कर रही है, पूरी कार्रवाई मनाली में ही होगी। 3 मई को ये मनाली से निकल, वो इस तरह से आए नहीं है। उनका एक, जैसा कि मैंने बताया, आगंतुक रजिस्टर में एंट्री है उन्हीं के हैंडराइटिंग में, जिसमें मोबाइल गुमने की सूचना और पुलिस का व्यवहार का जो एंट्री रहता है आगंतुक रजिस्टर में, वो ठीक उनके द्वारा लिखा गया है। और आवेदन पत्र में भी मोबाइल को लेकर के उनकी जो है शिकायत है, पूर्णतः उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसमें चूंकि घटना मनाली की है, तो जो मर्डर की FIR दर्ज हुई है, जो अग्रिम उसमें कार्यवाही हो रही है, वो मनाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। स्थल होता है FIR और जो चार्जशीट होती है, ट्रायल होता है, वो वहीं होता है, तो उसमें मनाली में ही पूरी कार्रवाई होगी। ग्वालियर में पानी सप्लाई टेंडर मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने घोटाला मामले में शिकायत के बाद जांच के आधार पर नगर निगम की PHE शाखा के पूरे कार्यपालन नियंत्री पर FIR दर्ज की है। शहर के जल प्रदाय टेंडर में हेरफेर कर 90 लाख के घोटाला करने का आरोप लगा है। इसके चलते PHE शाखा के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री RN करैया पर FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें, साल 2006 से 2011 के बीच जल प्रदाय से जुड़े टेंडर में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री RN करैया ने चहेतों को भुगतान करवा दिया। 18 करोड़ के PHE घोटाले में पहले से ही RN करैया जेल में बंद है। अब इस नए घोटाले के बाद आरोपी को रिमांड पर लेकर EOW और पूछताछ करेगी। जिसमें से 35 लाख लश्कर पश्चिम के लिए था और 18 लाख पूर्व के लिए, 15 मुरार के लिए और 12 ग्वालियर के लिए। इसमें होना ये था बेसिकली कि जो पुराने बोर थे
गर्मियों के समय में वो काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे, तो उनको रीबोर करके और उसमें नए मोटर और स्टार्टर डालने थे और पाइप वगैरह उसमें डालने थे। तो इसको लेके करैया जी जो तत्कालीन कार्यपालमंत्री थे, उन्होंने उस समय टेंडर में जो शर्तें थी उन शर्तों के विपरीत जाके अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए और करीबन इसमें 80 लाख 90 लाख रुपए के आसपास घोटाला हुआ है। देवास जिले की बागली कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें एक सौतेली बेटी ने पिता पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया था। बाद में सगी नाबालिग बेटी ने मेहनत मजदूरी कर पिता की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बागली कोर्ट में चले केस के दौरान डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस आधार पर पॉक्सो एक्ट में 10 मई को एडीजे कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। मामला फरवरी 2021 का है। पीड़िता ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, केस दर्ज करवाया था और यह भी कहा कि 10 साल से दुष्कर्म कर रहा था। इंदौर में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का एक मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपी ने 2 साल के बच्चे के गले पर चाकू रखा और फिर महिला से दरिंदगी की। आरोपी ने इस दौरान महिला के अश्लील वीडियो और तस्वीरें ले लिए और इसी के आधार पर आगे वो ब्लैकमेल करने लगा। परेशान होकर महिला ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद आरोपी काशान गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्म परिवर्तन के दबाव का केस भी दर्ज हुआ है।